आज रविवार को सीता रसोई ने गरीबों को कराया फ्री भोजन। अध्यक्ष उदयभान सिंह ने बताया कि आज की सीता रसोई पर नगर संत धीरशांत दास अर्धमोनी ने विधि विधान से पूजा अर्चना करके रसोई की शुरुआत की। मुख्य अतिथि पूर्व सांसद शीशराम रवि ने सीता रसोई पर भोजन वितरण किया और संकल्प लिया कि मई और जून महीने में एक महीने की रसोई अपनी तरफ से आयोजित करेंगे। मीडिया प्रभारी अनिल सक्सेना ने मुख्य अतिथि का अभिनंदन किया। सीता रसोई परिवार ने नगर संत धीरशांत दास का पगड़ी पहनाकर राम दरबार भेंट करके अभिनंदन किया। इस अवसर पर सीता रसोई महिला इकाई की अध्यक्षा सुप्रीत सिंह, संगठन मंत्री जूही माथुर, संरक्षक हृदेश कुमार सिंह, समाज सेवी अमित चौहान, नीतू माथुर, सीता रसोई की आज की प्रायोजक श्रीमती ब्रजबाला, डॉक्टर हेमंत चौधरी, सुनीता चौधरी, सुनील कपूर, संरक्षक पुनित अग्रवाल, दीपक गुप्ता, विवेक पांडे, संजीव शर्मा, जूही शर्मा सहित भारी संख्या में सीता रसोई परिवार के लोग उपस्थित रहे। क्या कहना चाहिए आज किनके द्वारा रसोई महीने की बुक हुई है? बालाजी श्री बालाजी संगठन के द्वारा, मतलब श्री शीशराम रवि जी हैं, उन्होंने, मैं संगठन में हूँ, क्षेत्रीय उपासक हूँ, और मतलब जो है ये संगठन की तरफ से एक महीने का शीशराम जी ने जो निर्णय लिया है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बड़ी बात है एक महीने के लिए उन्होंने रसोई कर। अनिल सक्सेना जी और अमित चौहान जी कर रहे हैं, तो मैं इनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं ये चाहूँगा कि जो सीता रसोई गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध करा रही है और किसी से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, और इसके सहयोग के लिए मैं अगले महीने से, मतलब मई में, मई जून में मिलाकर मैं एक माह जो है सीता रसोई पर जो है मेरी तरफ से जो है फ्री में निःशुल्क भोजन वितरण होगा। जय श्री राम, जय श्री राम। और पहले भी बहुत चर्चा रहती थी हमारे हिंदू धर्म में जो है, मतलब दो चीज़ों का बहुत सम्मान है। एक तो नारी का, यत्र नारेषु पूज्यते तत्र देवताराम ते, जिस देश में, जिस घर में, जिस परिवार में नारी का सम्मान होता है वहाँ स्वतः ही धन दौलत ऐश्वर्य शक्ति आती है। एक दूसरी तरफ अतिथि देवो भव, अगर जो हमारे घर कोई आया है अतिथि बनकर, आज हम जो जितने लोग भी यहाँ भोजन करने आए हैं वो हमारे अतिथि हैं, और हम सीता रसोई की ओर से उनका स्वागत करते हैं, उन्हें भोजन भी खिलाते हैं और उन्हें पानी भी पिलाएंगे। और जो भी सहयोग आज किया है और महाराज जी का आशीर्वाद हमारे को, चूँकि आप RSS में 40 साल से अधिक आयु दे चुके हैं और वरिष्ठ प्रचारक हैं, तो ऐसे में इनका सीता रसोई पे आना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और मैं सभी सीता रसोई ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों का, सभी जो है सहयोगियों का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।